नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल आवाज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं ऑप्शन में इस मंथ की एक्सपायरी तक के लिए पोजीशन बनाने के लिए, और कुछ स्टॉक्स में स्विंग में पोजीशन बनाने के लिए। देखिए, मार्केट कंटिन्यू ऑल टाइम हाई की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है और अभी भी काफ़ी पोटेंशियल लगता है मार्केट में अपसाइड जाने के लिए। नो डाउट कि बाजार ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा बहुत कहीं पर साइडवेज हो जाएगा या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट ले लेगा, लेकिन ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, इनके बारे में इस वीडियो में भी बात करेंगे। और एक दो स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें हम साइडवेज का ही प्लान कर सकते हैं और कुछ स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड का भी ऑप्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो इनके बारे में वीडियो में डिटेल बात करेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, आपको लर्निंग मिलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होती हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें ऑप्शन में पोजिशन बना सकते हैं। तो नंबर वन, बजाज फिनेंस। और शायद मैं इसके बारे में ना एवरीडे अपने डेली एनालिसिस वीडियो में बात करता हूँ, ठीक है, कि इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाया जा सकता है, ये अच्छे लेवल में है। पिछले मंथ भी मैंने पोजीशन इसमें बनाया था और मुझे मंथ एंड तक काफ़ी अच्छा गेन मिला था। और जब से मैं पोजीशन बनाया था तभी से मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि इसमें ना स्ट्रगल प्लान करना चाहिए, ठीक है। और पिछले मंथ मेरा 7200 में एक्सपायरी क्लोजिंग का व्यू था और 7100 20-30 के आसपास क्लोजिंग दिया था, या 7100 में ही क्लोजिंग दिया था। अच्छा गेन मिला था क्योंकि मैं एक दिन पहले बुक कर लिया था इसमें, ठीक है, मैं एक दिन पहले बुक कर लिया था, बहुत अच्छा गेन मिला था। चलिए, तो इस मंथ के लिए भी मेरा भी वैसी है कि ना अभी ये ऊपर नहीं जा रहा है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दूं तो इधर नहीं जा रहा है, और इस लाइन को नीचे ड्रॉ कर देता हूं तो मुझे लगता है इसके नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये 7000 के अभी नीचे नहीं जा रहा है और 7450 के ऊपर अभी ये नहीं जा रहा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। 7300 के आसपास अभी ये बजाज फाइनेंस घूम रहा है, ठीक है, और अपर साइड में 7500 का रेंज बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस कॉल को सेल करके, मतलब इस ट्रेंगल जैसा प्लान किया जा सकता है, ठीक है। और लोअर साइड में 7000 के आसपास का, 7000 या फिर 7100 का भी प्लान किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे प्लान क्या होना चाहिए कि देखिए, एक बार फिर इसे नोट करता हूँ। अपर साइड में 7500 का अगर हम कॉल सेल करते हैं, देखिए अभी सेंसिबल में देखेंगे तो फिगर आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, अभी मैं सेंसिबल लगाया नहीं हूँ तो एग्जिट नहीं बोल सकता, ठीक है। मेरे पास जो पोजीशन है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, उसे भी अभी शेयर करूंगा आप लोगों को। और लोअर साइड में ना इसका 7100 का पुट ये होना चाहिए, कॉल ये होना चाहिए, पुट मतलब 200 पॉइंट बिलो, 200 पॉइंट अप। लॉजिक क्या है कि अभी ना ये इसी रेंज में ट्रेड करेगा, जिस दिन इसके ऊपर निकल जाएगा या जिस दिन इसके नीचे निकल जाएगा फिर एक ट्रेंडिंग हो सकता है, बट ट्रेंडिंग होने से पहले बाजार थोड़ा रुक भी सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है कि अभी हमें स्ट्रेंगल बेचना चाहिए, ठीक है। अगर ये 7500 के आसपास चला गया तो पुट को क्लोज करके अगेन एटीएम का पुट शॉर्ट कर देना चाहिए, मतलब फिर से 7500 का पुट शॉर्ट कर देना चाहिए, पोजिशन आपका स्ट्रेंगल से स्ट्रगल बन जाएगा। अगर ये 7100 आ जाता है तो ऊपर का कॉल निकाल के 7100 का कॉल सेल कर देना चाहिए, तो पुट ऑलरेडी आपके पास है, कॉल सेल कर दिए तो फिर से आपका स्ट्रगल बन गया, ये हमारा लॉजिक होना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को पहले शेयर करता हूँ, ठीक है, लॉजिक समझ गए क्यों बना रहे, क्योंकि अभी मुझे लगता है इसी रेंज में रहेगा, मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। ऊपर चला गया हम लोग स्ट्रगल में कन्वर्ट कर लेंगे, नीचे चला गया स्ट्रगल में कन्वर्ट कर देंगे, अगर कंटिन्यू में जा रहा है तो थोड़ा लॉस लेके इसे एग्जिट कर देंगे, या ऊपर जा रहा है तो लॉस लेके एग्जिट कर देंगे, बहुत सिंपल और क्लियर व्यू होना चाहिए। चलिए मैं पहले शेयर करता हूँ, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पास पोजिशन है लगभग इसमें अभी 21000 का लॉस चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये 21000 का लॉस नहीं है डियर, मेरे पास मंथ की स्टार्टिंग से पोजिशन है और इसमें मैं 21000 ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ, एक सप्ताह से इसमें कोई थीटा डीके नहीं हुआ है, ओके, मेरे पास पोजीशन है 7200 का पुट एंड 7600 का कॉल, 72 आ जाएगा तो मैं स्ट्रगल बना दूंगा, 76 चले जाएगा तो मैं स्ट्रगल बना दूंगा, ठीक है।
मैंने 7500 बोला है एंड 7100 बोला, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ऑलरेडी मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ, इसलिए अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पहले मेरे पास 7000 का पुट शॉर्ट था, फिर मैं 7000 का पुट में 21000 बुक करके 7200 का पुट शॉर्ट कर दिया, इसलिए अभी थोड़ा नुकसान दिख रहा है, ठीक है। चलिए सिंपल, अब मैं इसे होल्ड करूंगा। अभी जैसे जैसे इसका थीटा, देखिए कल तक ना इसमें 29000 का लॉस दिख रहा था, ठीक है, जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका थीटा डी के बहुत स्पीड में नीचे आना शुरू हो गया, ओके। तो मुझे लग रहा है कि मंडे ट्यूजडे से ना इसमें अच्छा गेन मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखें, ठीक, तो बाजार में आप देखेंगे कि अभी 21000 का नुकसान दिख रहा है, कल मॉर्निंग में दिखा रहे कि 6000 का, एक दिन और अगर मैं होल्ड कर पाया तो ये मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा, मतलब इस मंथ के 21000 बुक हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर अगर मैं इस वीक आखिरी तक रख लिया तभी मेरे को 15-20 हजार का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे मंथ के आखिरी तक होल्ड करेंगे, अगर 2 सप्ताह भी होल्ड कर लिए ना तो इसमें बहुत अच्छा गेन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 20-22 तक होल्ड भी कर लिए तो इसमें बहुत अच्छा गेन मिल जाएगा, पोजिशन बुक कर लेंगे और तमाशा बंद, ठीक है। और चलिए अभी आरबीएल के बारे में बात करूंगा, आरबीएल के बारे में भी कल मैंने जिक्र किया था, आप लोगों को पता होगा वीडियो में, डेली एनालिसिस वीडियो आप लोग देखे होंगे, तब इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरे पास ना एक ट्रेड और भी है, मैं यहाँ पर शेयर करूंगा आप लोगों को, एक नहीं कई सारे ट्रेड हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे अभी M2M यहाँ पर नुकसान दिखेगा, अभी 12000 रुपये नुकसान दिख रहा है, लेकिन मैं इसमें ना बहुत अच्छा बुक कर लिया हूँ। मैं इसमें आगे बढ़ूँ इससे पहले ना मैंने इस मंथ एक बड़ा अचीवमेंट किया है, पहले उसे शेयर कर दूँ। चलिए चलिए मैं पहले आप लोगों को फटाफट कंसोल में ले जाता हूँ, रिपोर्ट ले जाता हूँ, और रिपोर्ट में देखिए, जैसे मैंने मंथ की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, याद है इस मंथ का स्टार्टिंग है, जब मैं वीडियो बनाया था तो मैं आप लोगों को बोला था कि इस मंथ का मेरा टारगेट है 8 से 10 लाख रुपए कमाने का। तो अभी तक मैंने क्या गेन किया है आप देखिए, इस मंथ तक मतलब इस मंथ की एक्सपायरी मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा है, 9,25,000 मैंने बुक किया है, 15,000 का लॉस मेरे कैरी फॉरवर्ड है, कल इसमें और प्रॉफिट आने की संभावना है, तो लगभग मैंने टारगेट अचीव कर लिया। तो थोड़ा मैं ट्रेड कम करूंगा इससे, थोड़ा स्टॉक की तरफ मैं मतलब इस मंथ में मेरा व्यू है साइडवेज या फिर स्टडल टाइप का, मार्केट बुलिश है तो मैं बुलिश टाइप का ट्रेड बनाता रहूंगा इसमें, तो लोअर साइड का रिस्क फ्री रख के, ठीक है, ऊपर की तरफ का ट्रेड बनाता रहूंगा, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था, ओके। तो जैसे भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास बैंक निफ्टी का पोजिशन है, तो कल इसमें लास्ट डे हम लोग ऑलरेडी 1 लाख रुपया बुक किए, ठीक, मैं मतलब अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने 1 लाख बुक किया, आप लोगों को भी मैंने बुक करने के लिए बोला था, कल इसमें अगेन मुझे एक अच्छा गेन मिलने की संभावना दिखता है, ठीक है। आप यहाँ पर हीरो मोटो कारक पर देखिए, भी मेरे पास ट्रेड है, ठीक, इसमें भी थोड़ा बुलिश जैसा पोजीशन बना हुआ है, तो 8000 इसमें भी कल मिल सकता है, ऐसा मेरा प्लानिंग है। पीएनबी के बारे में बात करूँ तो पीएनबी में मैं नीचे की तरफ रिस्क रखा है, ऊपर की तरफ लगभग रिस्क फ्री है, ठीक है। तो अगर नीचे चले जाएगा, जैसे मैं इसमें आप लोगों को 1-2 दिन पहले से ही बात कर रहा हूँ कि ना ये 1-1.5 साल तक आपको ट्रेड देने वाला है, जैसे 80 के ऊपर निकला है बहुत बढ़िया मूवमेंट कर चुका है, 6-7 रुपये ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है, अभी यहाँ पर प्रॉफिट आपको कम दिख रहा हो क्योंकि मुझे 80 में मिला नहीं, तो मैं ऊपर 85 में जाके पोजीशन बना पाया, ओके। अदरवाइज से 50-60 हजार रुपये मेरा गेन होते रहता, मैं इसको ना अगले 1-1.5 साल तक ट्रेड करने का प्लान रखा हूँ, ठीक है, 1-1.5 साल तक, क्योंकि बढ़िया इनसाइड पैटर्न के साथ निकला है और लगभग 200 की तरफ मूवमेंट कर सकता है, तो 1-1.5 साल तक प्रॉफिट देता रहेगा, ऐसा मेरा प्लानिंग है इसमें, ठीक है। तो इस प्लानिंग के साथ मैं इसमें आगे कैरी कर रहा हूँ, राइट। चलिए, और मैं आप लोगों को मतलब ऐसा प्लानिंग मैं किया हूँ, आगे कैरी करूंगा। वीडीएल में अभी यहाँ पर 30000 रुपये नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन मैं 63000 इसमें बुक कर लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ना 232 से पोजिशन बनाया था, फिर दूसरा पोजिशन फ्यूचर बनाया मेरा 250 में, तो इसमें अभी थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है आप लोगों को, ओके, बट इसमें प्रॉफिट है मेरा, राइट। तो उम्मीद है कि ये अपर साइड चले जाएगा तो प्रॉफिट और मिल जाएगा इसमें 1-1.5 लाख रुपया, ठीक है, मेरा लगभग इसमें 4 लाख का पोजीशन बना हुआ है, तो जितना मिल जाए उतना इनफ है, ठीक है। तो वापस आए, वापस चलते हैं बाजार में, ठीक है। तो बाजार में जैसे मैंने अभी आप लोगों के बीच बात कर रहा दोस्तों कि बाजार में ना एक पोजिशन इसमें बनाना चाहिए, और बाजार में पोजिशन क्या बनाना चाहिए, कितना कैपिटल लगेगा ये समझ लीजिए। अगर हम 7500 का कॉल सेल करते हैं जिसका भाव 93 चल रहा है, और लोअर साइड में 7100 का पुट सेल कर देते हैं जिसका भाव अभी 54 चल रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है ना इसका ट्रेड अच्छा रहे, एकदम मिड पॉइंट में है, ठीक है। जैसे पे आप ग्राफ देख रहे हैं तो मिड पॉइंट में है, 1,72,000 रुपये लगेगा, 18,000 मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। और इस पोजिशन को अगर आप अगले मतलब 20 तारीख तक रख लिए, ठीक है, तो इसका ना लगभग 60 से 70% प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और आप लोगों को बता पा रहा हूँ, ठीक है। 20-22 तारीख तक में इसमें बहुत अच्छा गेन मिल सकता है आप लोग, ठीक है। तो मेरे पास प्लानिंग है, मतलब मेरे पास ट्रेड ऑलरेडी है, तो मैं ट्रेड प्लान किया हूँ, तो आप लोगों के पीछे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बाजार ऊपर चला गया तो हम लोग इसको बुक करेंगे और वापस इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, उस समय, ठीक, जब ऊपर चले जाएगा तब, ये पे आप ग्राफ चेंज हो जाएगा,
जब ऊपर चले जाएगा तब, मतलब पोजीशन क्या बन जाएगा, पोजीशन इस टाइप का बन जाएगा, स्ट्रेडल टाइप का, ठीक है। अभी भी स्ट्रेडल बनाया जा सकता है, मतलब 7300 के स्ट्रेडल बनाया जा सकता है। देखो आप कहाँ तक फ्री हैं, अपर साइड में 7600 तक फ्री है, लोअर साइड में 7000 तक फ्री है, तो दोनों में लगभग एक जैसा है। लेकिन स्ट्रेंगल में ना पोजीशन हेज करते बनता है, स्ट्रेडल में हेज करते लगभग नहीं बनता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्लान करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है इसमें बाजार में। ओके, ये मुझे लगता है क्लियर हो गया वो आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आप लोगों को लेके चलता हूँ, बात करता हूँ। एबी कैपिटल ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एबी कैपिटल मेरे पास पोजीशन बना नहीं है, मैं इसको बनाना चाहूंगा। और देखिए एबी कैपिटल को मैं ना कुछ दिन पहले तक इसे वॉच कर रहा हूँ, और लाइव में जितने लड़के रहते हैं उन लोगों को मैं सबको शेयर कर रहा हूँ कि ये ना अपर साइड में मूवमेंट कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जल्दी देने ही वाला है, जो अभी नीचे है। तो देखिए अभी चूंकि नीचे है, ये एकदम रीटेस्ट कर चुका है, और जब भी इसको ना एक लॉजिक मैं इसके बारे में शेयर करना चाहूंगा। मैं इसका पैटर्न देख रहा था कि जब से ब्रेकआउट किया है ना यहाँ से, जब भी कोई बड़ा कैंडल रेट बनता है फिर रिवर्स होता है, बड़ा कैंडल रेट बनता है फिर रिवर्स होता है, बड़ा कैंडल रेट बनता है फिर रिवर्स होता है, बड़ा कैंडल रेट बनता है फिर साइडवेज है फिर रिवर्स हो जाता है। तो जब भी ये ऊपर की तरफ से नीचे आया है बड़े कैंडल के साथ, फिर रिवर्सल आया है धीरे धीरे करके। लेकिन ये टेस्ट है, रीटेस्ट है, इससे पहले रीटेस्ट नहीं था, जैसे ये रीटेस्ट था फिर कितना बढ़िया मूवमेंट आया। तो अपर साइड में ना मुझे लगता है 200 के ऊपर जाने वाला है। तो कैश में भी पोजिशन बनाया जा सकता है, ऑप्शन में भी पोजिशन बनाया जा सकता है, मैं इसे ना ऑप्शन में प्रीफर कर रहा हूँ। और 260 का मैं इसे देख रहा हूँ कि सॉरी 160 के नीचे मैं देख रहा हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है। तो लोअर साइड में ना 150 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, तो नीचे की तरफ 150 का मैं पुट शॉर्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि बॉटम में है। पुट मैं यहाँ पर दो करने का प्लान है मेरा, एक कॉल मैं बाई कर लूंगा 170 का, 165 का, और ऊपर की तरफ 180 का भी एक कॉल सेल कर दूंगा, ठीक है। तो पोजीशन कैसे बनेगा देखिए, इसका पे आप ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहां तक इसमें मुझे कोई लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा, ऊपर जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, और इसके नीचे मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, तो मैं इसके नीचे एग्जिट कर जाऊंगा। प्लान देखिए एबी कैपिटल खुल जा सिम सिम, ठीक है। देखो तो इसमें क्या करेंगे कि हम मान लो कि 165 का हम बाई करते हैं, 165 का कॉल हम बाई करते हैं जिसका भाव चल रहा है 5 रुपया, मतलब मेरा कॉस्ट लगा 5 रुपया, 27,000 खरीद। अब इसको ना मुझे जीरो करना है, इसको जीरो करना है। ये जीरो कैसे होगा, बहुत सिंपल, ध्यान रखिएगा। देखिए तो अभी अगर मैं ऊपर का 80 का दो कॉल सेल कर देता हूँ, सपोज करो अगर ऊपर 80 का मैं दो कॉल सेल कर देता हूँ, तो लगभग 2 रुपये 40 पैसा मेरा शॉर्ट हो गया। अब बच गया कितना, 2 रुपये 60 पैसा। अब मुझे 2 रुपये 60 पैसा जुगाड़ करना है, क्या 2 रुपये 60 पैसा मुझे जुगाड़ करना है। तो मैं 2 रुपये 60 पैसा कैसे जुगाड़ कर सकता हूं, अगर 150 का मैं दो सेल करता हूं तो लगभग मुझे मिला 2 रुपये 20 पैसा। अभी मेरे पास 40 पैसा बाकी है, अभी भी मेरे पास 40 पैसा बाकी है, तो 40 पैसा को मैं छोड़ भी दूंगा, ठीक है, 40 पैसा का मैं लॉस ले लूंगा। तो लगभग मेरा 2,000 का रिस्क हो जाएगा, और अगर कल नीचे आ जाता है तो 44,000 का मेरा लॉस होगा, ऊपर जाता है तो मैं जाने दूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 78,000 का रहेगा इसमें। देखिए अगर मान लो कल बनाए ट्रेड बनाए और कल ही 150 आ गया, 150 बोले तो 7 7.5% नीचे, तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, लॉस लेके निकलना पड़ेगा। लॉस फिक्स रखने का है कि भाई इससे ज्यादा लॉस हो तौबा खत्म, फिर इसमें कुछ गुंजाइश नहीं, फिर इसमें और कुछ नहीं करने का है, लॉस फिक्स रखने का है, ठीक है, अगर आप इस तरीके का ट्रेड बनाते हैं तो, ठीक है। दूसरा प्लान ये भी हो सकता है कि जैसे ऊपर का कॉल है ना 80, तो हम यार यहां से ना 90 का भी एक कॉल और सेल कर सकते हैं, 90 का, तो लोअर साइड पे इधर का रिस्क फ्री हो जाएगा, ऊपर मूवमेंट करता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 10% मूवमेंट कर जाएगा, मैं 10% मूवमेंट कर जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कल ही 10% इसमें मूवमेंट आ जाए। हाँ नहीं करना है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इस टाइप का। हाँ हम इसको आगे कर सकते हैं, हम इस स्ट्राइक को आगे कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं इसको स्ट्राइक को आगे कर दिया, तो इसको मैं 3 कॉल सेल कर दूँ, जाओ तो भी बराबर ठीक है, मेरे पास 1,05,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट 1,05,000 का। लोअर साइड जाता है तो 47,000 का लॉस मुझे बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्लान इसमें किया जा सकता है, राइट। मुझे लगता है ये टाइप का प्लान इसमें करने में हर्ज नहीं है। एक चीज और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम ऊपर की तरफ का रिस्क फ्री रखते हैं, क्योंकि बॉटम में है तो बाजार ऊपर जा सकता है, तो आप एक कॉल भी बना सकते हैं इसमें, एक कॉल बना सकते हैं और नीचे का 3 पुट कर दें, बस इसमें ना लोअर साइड का रिस्क बढ़ता जाता है, लोअर साइड का रिस्क पड़ता जाता है। तो सिंपल मैं कहूंगा कि अगर ए नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए, इसमें 2 ही रख दीजिए, ये भी ठीक रहेगा, थोड़ा लॉस ले लेंगे चलेगा, थोड़ा लॉस ले लेंगे, इसको 2 कर दीजिए, 200 180 आज ही नहीं जाता है,
मुझे ऐसा लगता है 180 आज ही नहीं जा रहा है, ए प्लान सबसे अच्छा रह सकता है। ठीक है, तो ए प्लान मैं इसमें करूँगा। ठीक है, ऐसा प्लान किया जा सकता है। एक ट्रेड और इसमें बनाया जा सकता है कि भाई फ्यूचर बाई कर लिए, फ्यूचर बाई कर लिए और कोई इसमें पुट बाई कर लिए जैसे, लेकिन 41,000 का रिस्क, 41,000 की रिस्क नहीं ले सकते इस टाइप का। बट इसमें ना 27,000 का रिस्क ना यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, अगर मूवमेंट नहीं किया तो 27,000 का रिस्क ना ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको प्लान नहीं करूँगा। इसलिए मैं एक ऑप्शन के साथ इसमें प्लान करूँगा, फ्यूचर के साथ प्लान करना थोड़ा सा मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो ऑप्शन के साथ ट्रेड प्लान इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो एबी कैपिटल में एक बुलिश पोजीशन बनाया जा सकता है, और सिंपल, अगर आपको रिस्क लगता है, डर लगता है, बिल्कुल पोजीशन नहीं बनाने का है। ओके, समझते हैं आप, लॉजिक समझते हैं, ऑप्शन का रिस्क समझते हैं, तभी ट्रेड बनाना चाहिए, अदरवाइज कैश में बाई करो, सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, कैश में बाई करना चाहिए, 200 से ऊपर का टारगेट है देने वाला है, मे बी टारगेट आपको ये 250 की तरफ भी दे दे। ठीक, कोई आश्चर्य नहीं है, 250 की तरफ टारगेट दे दे, ये चला जाएगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए एक स्टॉक और आपको शेयर करता हूं मैं फ्रेंड्स। जैसे देख रहे हैं आरबीएल बैंक, लास्ट डे मैंने वीडियो में इसके बारे में बात किया था। ओके, आरबीएल बैंक का ना पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और फ्यूचर में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अपर साइड में ना अच्छा मूवमेंट दे सकता है ये, जल्दी 300 और फिर 350 की तरफ मूवमेंट करने वाला ऐसा लगता है। बढ़िया ब्रेकआउट है, हेड एंड शोल्डर जैसा सेटअप बना हुआ है, इनसाइड पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, एक बार फिर बिलीव, मैं कहता हूँ बिलीव करो और इनसाइड पैटर्न में ट्रेड बनाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पर आरबीएल बैंक में ट्रेड बनाया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैंने आरबीएल बैंक में ट्रेड क्या बनाया है, इसमें मैंने 15,000 का रिस्क रखा है, आरबीएल बैंक में 15,000 का रिस्क, 34,000 का प्रॉफिट है। तो 34,000 में तो पूरा 34,000 नहीं मिलेगा, कल ही 10,000 रुपये मिल रहा था, इसमें अगर 20,000 रुपये मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत है, उस दिन बुक कर दूंगा। ठीक है, या फिर 15,000 का लॉस है, फिक्स लॉस रखेंगे। हाँ, अगर मूवमेंट कर गया, सपोज करो कल ये चला गया 280 के ऊपर चला गया, तो होल्ड करेंगे पोजिशन को आखिर तक, जाने देंगे, जब समय आ जाएगा, एक्सपायरी आ जाएगा, तो उस समय क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आरबीएल बैंक में ट्रेड फिर बनाने का चांस है अपने को। ठीक है, अगर कल बनाया होंगे तो बहुत बढ़िया है। देखिए, इसलिए ना वीडियो तो मैं नाइट को बनाऊंगा, या अगले दिन पोजीशन बना वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूंगा। जब नाइट में मैं कोई वीडियो शेयर करता हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाएंगे तो कई बार आप जल्दी ट्रेड आप लोगों को मिल जाएगा। अब तो मैं कहूंगा ना कि इसको 260 के लेवल में पोजीशन बनाना चाहिए, 260 के लेवल में पोजीशन बनाना चाहिए, बहुत सिंपल, 260 के लेवल में पोजीशन बनाना चाहिए, 270 का कॉल बाई करके 280, 280 या फिर 290 का कॉल सेल करना चाहिए आरबीएल बैंक में। तो आरबीएल बैंक में क्या हो सकता है, आरबीएल बैंक, चलिए आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक अगर मैं कहूँ कि 290 तक है, 290 का सेल कर दो और 270 का बाई कर लो, 15,000 के 34,000 के फिर से प्रॉफिट, सेम ट्रेड बनेगा। ठीक है, इसमें दो नहीं करेंगे, जैसे अभी मैंने एक स्टॉक बताया आप लोगों की दो कॉल सेल कर दिया, दो पुट सेल, नहीं, जो ब्रेकआउट कर रहा है उसको उस समय नहीं करते हैं, ब्रेकआउट करने के बाद उसमें फिर करते हैं, ब्रेकआउट कर जाए फिर उसमें हम लोग दो कॉल करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मूवमेंट स्लो हो जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट कर रहा है उसी समय 10% भाग गया, तो ब्रेकआउट करते समय, फिर ब्रेकडाउन करते समय बड़ा क्वांटिटी पुट के साइड नहीं बनाते हैं, डबल डबल क्वांटिटी सेल नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा लॉजिक है। ठीक है, तो इस टाइप का ट्रेड इसमें बनाया जा सकता है, अगर आप लोग इसमें समझते हैं तो पुट सेल करिए, क्योंकि ब्रेकआउट करने वाला स्टॉक ना ब्रेकडाउन भी हो जाता है, मतलब ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो इसलिए इसमें पुट ना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, बॉटम वाले में मैं पुट प्रीफर करता हूँ, जैसे मैंने अभी एबी कैपिटल में बताया, तो उसमें दो पुट सेल कर दीजिए या तीन पुट सेल कर दीजिए, ऑलरेडी ओवर शोल्ड जोन के आसपास आ गया तो बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट करने की चांस है नहीं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का ट्रेड प्लान किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, और ये रहा बजाज फिनेंस, एबी कैपिटल और आरबीएल बैंक का। पीएनबी के बारे में जैसे भी मैं थोड़ा देर पहले बोल रहा था कि मेरा इसमें लॉन्ग टर्म व्यू बहुत पॉजिटिव है, मैं इधर का ट्रेड देख रहा हूँ, तो मेरा बहुत सिंपल है कि मैं इसमें 50,000 तक का रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैं एक फ्यूचर प्लस करके इसमें कंटिन्यू अपर साइड में बंद मैं चलता जाऊंगा, और मैं इसको ना लंबा फ्यूचर में पोजिशन बनाना चाहूंगा, मेरा पहला अनुभव होगा किसी स्टॉक में इतना लंबा पोजिशन बनाने का, तो अभी एक फ्यूचर इसमें बना के रखूंगा मैं, इसमें जिस दिन ना 2 लाख रुपए आसपास गेन कर लिया, 2 लाख प्रॉफिट गेन कर लिया, फिर एक फ्यूचर परमानेंटली इसमें ओपन करने वाला हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास कैश में भी है, और कैश में बहुत अच्छे लेवल में है, 46-47 के लेवल में, तो ऑलरेडी मैं उसमें बहुत अच्छा गेन किया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास भी होगा। इसमें बीडीएल में अभी चांस थोड़ा कम है, क्योंकि बीडीएल ऑलरेडी 232 से बहुत अच्छा मूवमेंट कर चुका है, यहाँ पर थोड़ा दिन वेट करने दीजिए, फिर इसमें ट्रेड बना सकते हैं अगेन आप लोग अपर साइड में 265 270 के लिए, ये भी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। जिलियो मैंने ट्रेड दिया था आप लोगों को लास्ट डे, पता होगा, और मुझे बाद में पता चला, किसी ने कमेंट किया कि सर जिल में ना
ऑप्शन बैन है, मतलब बैन पीरियड में आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बैन पीरियड में आ गया है, 250 के स्टॉप लॉस डालो या 280 आसपास चल रहा है, ठीक है, और 370 के ऊपर का टारगेट मिल जाएगा। इसमें कैश में भी पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है, नजर रखिएगा। एक स्टॉक और शेयर करता हूँ आप लोगों को कैश में, नजारा टेक। मैं कई दिन इसके बारे में जिक्र किया हूँ टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होंगे तो पता होगा, बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, हमने दिवाली के दिन भी इसको सेलेक्ट किया है, दिवाली के दिन भी बाई किए थे, और जल्दी है ना 1000 के ऊपर जाने वाला है। 1000 के ऊपर जिस दिन गया ना, आपको नेक्स्ट टारगेट दिखेगा 1300 के ऊपर, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, मैं इसमें क्वांटिटी प्लस करने वाला हूँ, इस मंथ के आखिरी आखिरी तक मैं इसमें क्वांटिटी प्लस करने वाला हूँ। शायद इससे पहले निकल जाए तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, 1000 के ऊपर फिर प्लस करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस करना सबसे अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं कब इसमें मैं ऐड कर पाता हूँ, बट सेटअप बहुत बढ़िया है, इसमें भी कैश में पोजिशन बनाया जा सकता है। चलिए, 20 मिनट का वीडियो बन गया, थोड़ा बड़ा बन गया, माफ करिएगा। चलिए, लेकिन आशा करता हूँ आप लोगों को आज के वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा टारगेट अचीव हो गया है, मैं साल का भी टारगेट अचीव कर लिया हूँ। एक बार आप लोगों को पता होगा कि मैं 42 लाख के ऊपर एक बार फिर पहले भी गेन कर चुका था सितंबर में, फिर इसमें लगभग 12-13 लाख रुपये मेरा ड्रॉ डाउन हो गया था। 27 लाख के आसपास से मैं फिर से रिवर्स किया हूँ और फिर से 42 पहुँच गया हूँ। तो जैसे बाजार ऑल टाइम हाई पहुँच रहा है, मैं भी अपने प्रॉफिट में ऑल टाइम हाई के आसपास हूँ, ठीक है, इस साल। चलिए, तो दोस्तों ये रहा आज के वीडियो में मेरा व्यू, मेरा लॉजिक, इंडेक्स के ऊपर कल बात करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब आप प्लीज जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।